गुड मॉर्निंग, पुष्पा मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। हमने पिछले कंटेंट में बीए पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में सामाजिक अनुसंधान की चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझा, उसकी प्रकृति को समझा, उसकी विशेषताओं का विस्तृत चर्चा की। उसके पश्चात आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक होते हैं या सामाजिक अनुसंधान किन प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमने बताया था कि किसी भी सामाजिक अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करना आवश्यक होता है, यानी जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो कौन सी समस्या है उसका निर्धारण करके ही हम सामाजिक अनुसंधान में आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात सामाजिक समस्या का जो चयन किया गया है उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है, ताकि उस समस्या को समझा जा सके। उस समस्या को समझने के पश्चात हम उन इकाइयों का निर्धारण करते हैं जिनका अध्ययन हमारी इन समस्याओं के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके पश्चात जब हम इकाइयों का निर्धारण कर लेते हैं तो एक प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, क्योंकि शोधकर्ता किसी भी समस्या को लेता है तो उसके बारे में उसके दिमाग में कुछ निश्चित विचार होते हैं। उन विचारों को ही हम सामान्यतः प्राकल्पना कहते हैं, या समस्या से जो सामने आई है उसके बारे में पूर्व जो विचार निर्धारित कर लिए जाते हैं वो आपकी प्राकल्पना कहलाती है, ताकि उस विचारों के आधार पर हम शोध के कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसके पश्चात प्राकल्पना का निर्माण होने के पश्चात हम उस अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि जो समस्या हमें दिखाई देती है उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा है, या किस भौगोलिक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या उस समस्या से प्रभावित है, यानी भौगोलिक और जनसंख्यात्मक तथ्य क्षेत्र निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात जब क्षेत्र का निर्धारण कर लिया गया है तो हम उन सूचनादाताओं का चयन करते हैं जो समस्या से संबंधित होती हैं, ताकि तथ्यों को सही और सार्थक रूप से एकत्रित किया जा सके। इकाइयों का चयन करने के बाद, सूचनादाताओं का चयन करने के पश्चात हम उन सोर्सों को निर्धारित करते हैं जिनके माध्यम से तथ्यों का संकलन करना होता है, यानी तथ्यों का संकलन किन तरीके से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो दो तरह से होता है। एक तो प्राथमिक सोर्स होते हैं और एक सेकेंडरी सोर्स, यानी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये आपके सामाजिक अनुसंधान पर निर्धारित होता है कि आप किन डाटाश को महत्वपूर्ण मानते हैं, या आपके सामाजिक अनुसंधान में किन के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाएंगे वो ज़्यादा सही और सार्थक होंगे। इसके पश्चात हम उन प्रविधियों और उपकरणों का चयन करेंगे जो सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रयोग में ली जाएगी। उपकरण और प्रविधियाँ वो होनी चाहिए जो आपके सामाजिक अनुसंधान को एक अच्छे विश्वसनीय स्तर तक पहुंचा सके, और जिनके द्वारा अधिकतम शुद्ध सार्थक डाटा आप एकत्रित कर सकें। यानी उपकरण और प्रविधियों का चयन करना सामाजिक अनुसंधान में एक आधारभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा सामाजिक अनुसंधान कार्य आपके उपकरण और प्रविधियों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात उपकरण और प्रविधियों का चयन करना ही आवश्यक नहीं है, उन उपकरण और प्रविधियों का अध्ययन से पूर्व परीक्षण भी किया जाना चाहिए कि इन विधियों में या उपकरणों में जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, जिनको हम अनुसंधान से पहले समाप्त कर लें या उनको दूर कर सकें, और फिर अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसके पश्चात तथ्यों का अवलोकन व संकलन महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि ये जो भी अब तक के जो चरण लिए गए थे उनके द्वारा हम तथ्यों का संकलन करने का कार्य करते हैं। तथ्यों का संकलन सामान्यतः जब सूचनादाता के पास शोधकर्ता जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से भी सवाल करके वो तथ्यों का संकलन कर सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी तथ्यों का संकलन कर सकता है, किंतु जो तथ्य संकलित किए गए हैं उनमें अवलोकन को महत्वपूर्ण माना गया है।
कि व्यक्ति खुद स्वयं जब आँखों से देखता है तो उसकी जो एकत्रित तथ्य हैं वो ज़्यादा सटीक माने जाएंगे, ज़्यादा विश्वसनीय माने जाएंगे। किंतु इसमें ये भी संभावनाएं रहती हैं कि जब शोधकर्ता सूचनादाता के पास जाता है तो कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। तो हम इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि जब शोधकर्ता सूचनादाता से सूचनाएं एकत्रित करता है तो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, यानी पक्षपात रहित होकर वह तथ्यों का संकलन करें, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन किया जाए या प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन किया जाए। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में अनेक प्रविधियाँ हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी तथ्यों का संकलन करने में सहायक होती हैं और कुछ प्रविधियाँ तथ्यों को संकलित करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती हैं। धन्यवाद।